टेन के बच्चे ध्यान देंगे, देखो बच्चों आज मैरिट में पढ़ेंगे आई एम डिफेक्ट ऑफ विजन। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, आपको पढ़ना क्या है, सीखना क्या है कि हमारी आंखों में पता होगा, देखा होगा, दोनों बच्चों डिफेक्ट हो जाता है, मतलब हमें अच्छे से दिखाई ना पड़ना। तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबाइलिया। तो बच्चे मायोपिया क्या होता है, जब आपको दूर की चीज़ें दिखाई ना पड़े तो वो क्या है, मायोपिया। नजदीक की चीज़ दिखाई पड़े लेकिन दूर चीज़ दिखाई ना पड़े तो बच्चों क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, जब आपको नजदीक की चीज़ दिखाई ना पड़े। तीसरा बच्चों क्या है, प्रेसबाइलिया, जब आपको दूर और नजदीक दोनों में दिखाई। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे वन बाई वन, ठीक है बच्चों, दिन मध्यन करेंगे कि मायोपिया क्या होता है, कारण क्या है इसके, निवारण क्या है, सही होगा। ठीक है बच्चों, तो हम चर्चा करेंगे मायोपिया पर। तो बच्चे ध्यान देंगे, देखो बच्चों पहले आप ये सीखो कि जो है मायोपिया होता है। ठीक है बच्चों, देखो ये मायोपिया क्या होता है। देखो बच्चों जब आपको दूर की चीजें दिखाई ना पड़े जैसे कहते हैं मायोपिया। ठीक, अब बच्चों सब पहले देखो इमेज कैसे में दिखाई पड़ता है। देखो बच्चों ये आपका कोई तो बच्चों ध्यान दो, पहले आप देखो इमेज कैसे बनता है। देखो बच्चों हमारा आई है, इसे कहते हैं रेटिना। तो जब ये रेटिना पे इमेज बनता है तभी हमें वस्तुएं ठीक से दिखाई पड़ती है। तो बच्चों अब अगर किसी को मायोपिया का डिफेक्ट हो गया है तो उसका इमेज यहाँ नहीं बनेगा, रेटिना का कुछ पहले ही बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, इसीलिए हमें वस्त्र इस पर दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि मायोपिया क्या है, हमें दूर की वस्त्र दिखाई नहीं स्पष्ट पड़ती है, वो डिफेक्ट क्या है, मायोपिया है। और ये बच्चों देखो ये होता क्यों मायोपिया, बच्चों देखो उसके होने के दो रीजन हैं, दो ऐसे रीजन है जिस वजह से आंखों में हमारे मायोपिया का डिफेक्ट आ जाता है। तो देखो बच्चों पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कर्वेचर ऑफ आई लेंस इज एक्सेसिव। देखो बच्चों ये जो जो हमारा आई लेंस है, अगर इसका रीजन ऑफ कर्वेचर बढ़ एक्सेसिव हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। बच्चों इस लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाना, ठीक है, पहला केस इसका बिल्कुल केस क्या है, फोकल लेंथ। और दूसरा बच्चों क्या है, रेटिना और आई के बीच की दूरी का बढ़ना, मतलब आई बाल का बड़ा हो जाना किसी बीमारी से, क्या हमारा जो आई बाल ये पूरा ये इसका साइज बढ़ना। इंक्रीज द साइज ऑफ आई बाल या फिर रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी का बढ़ना। तो ये दो ऐसे कारण बच्चों जिससे हमारे आगे मायोपिया आ जाता है, मतलब हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है। अब देखो बच्चों इसका निवारण क्या है, कैसे इसको आप सही करोगे अगर आंख में मायोपिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कनकेव लेंस लगा लेना है अपने चश्मे में, तो आपका मायोपिया का डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो आपको दिक्कत थी, आप क्या करो एक कनकेव लेंस का इस्तेमाल करो, तो यहाँ पर आप लोग ये आपका मायोपिया था, ये हमारा आई बाल था, हमारा था, यहाँ पे अगर आप एक कंकेव लेंस का इस्तेमाल कर लो इस तरह से, ये ठीक। जब आप कंकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका ऑटोमेटिक मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, मायोपिया होता क्यों है, इसका निवारण क्या है और मायोपिया क्या है। तो बच्चों जब हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती क्या होता है, मायोपिया क्यों होता है, होने के दो कारण है, फोकल लेंथ का कम हो जाना या फिर आई बाल के साइज का बढ़ना। ठीक है, या उसके उसे कहते हैं कि रेटिना और लेंस की दूरी का बढ़ना। ठीक है बच्चों, और इसका निवारण क्या बच्चों, आप कनकेव लेंस लगा दोगे तो मायोपिया का डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना काफी है।